खार खींचड़ियों सो जाऊंगी, नानिया ने रोटी देन कोनी जाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज हिंदी क्यों बोल रही हूँ। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हमने अपने चैनल में आज तक जितनी भी वीडियोस डाली हैं वो सब हमने पंजाबी कल्चर में डाली हैं। बट लेकिन और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो अकेले पंजाब स्टेट से ही नहीं है, दूसरी स्टेट से भी हैं। तो इसीलिए आज हम स्पेशली आपके मनोरंजन के लिए एक दूसरी स्टेट में वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, और वो स्टेट है राजस्थान। तो दिवाली के दूसरे दिन राजस्थान में गोवर्धन पूजा की जाती है, और आज के इस वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताएंगे और इसकी जानकारी आपको देंगे मिस्टर प्रदीप गोयल, और मेरे को एंकर उनसे बातचीत करेंगे। खार खींचड़ो सो जाऊंगी, नानिया ने रोटी देन कोनी जाऊंगी। इस वर्डिंग से ही आपने पहचान लिया होगा कि ये वर्डिंग राजस्थान की है। तो आज हम राजस्थान में जो दिवाली के दूसरे दिन जो विशेष तौर पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, ये त्यौहार मनाया जाता है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप गोयल जी, संदीप गोयल जी बैंकर ने। तो सबसे पहले तो गोयल साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू पारस जी। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये गोवर्धन पूजा के बारे में आप विस्तार से हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पारस जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी व्यूवर्स को दीपावली की शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की बहुत अनंत शुभकामनाएं। थैंक यू जी। गोवर्धन पूजा का त्यौहार हमारे भारत में श्री कृष्ण जी के समय से बनता आ रहा है। गोवर्धन पूजा का प्रारंभ जब श्री कृष्ण छोटे से थे और इनके गांव में पकवान बन रहे थे, खान पान बन रहा था, पूजा की बहुत तैयारी चल रही थी गोकुल में, तो श्री कृष्ण ने अपनी माता से पूछा, बालपन में बचपन में एक नन्ना सा सवाल किया, माता ये इतना पकवान बन रहे हैं, ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं? जैसे बच्चे आम देख के पकवान कहते हैं। बिल्कुल। तो कृष्ण की माता ने उसको जवाब दिया, बेटा ये सारे पकवान इंद्रदेव के पूजा के लिए बनाए जा रहे हैं, आज हमारे गाँव में इंद्रदेव की पूजा होगी। ओके, इंद्रदेव की पूजा के लिए। तो उनका क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा थी। श्री कृष्ण भी छोटे छोटे सवालों से अपनी माँ को एक तरह से परेशान करना, या कह लीजिए एक रहते थे, हाँ बालपन था उनमें। उन्होंने कहा तो हम उनकी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? अच्छा। तो उनकी माता ने कहा, बेटा इंद्रदेव बारिश करते हैं जिससे हमारे खेतों में फसलें होती हैं, अनाज उगता है, हमारा खान पान उसी से चलता है। हमारा, हाँ, सभी का खान पान उसी से चलता है उस टाइम। बिल्कुल। तो उसने कहा अगर हम पूजा नहीं करें तो क्या होगा? अच्छा, पूजा छोड़ दें तो क्या होगा? तो उसकी मम्मी कहती कि अगर आप पूजा छोड़ दोगे तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई देवी देवता पूजा ना करने से नाराज होता है तो ऐसे देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने गोकुल में कहा भी इस बार हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे और हमारे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। क्योंकि आइए अब आपको दिखाते हैं गोवर्धन पूजा की तैयारी कैसे की जाती है, गोवर्धन पूजा कैसे की जाती है। ये जो बिस्तर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है बिस्तर, उसके बाद यहाँ पे आराम फरमाते हैं गोवर्धन जी, उसके बाद ये बिस्तर उठा दिया जाता है। आगे क्या होता है आपको दिखाते हैं। हमने देखा जो खाट बिछाई हुई थी वो उठा दी गई है। ये देखिए आप, ये गोवर्धन जी बनाए हुए हैं, गोबर से तैयार किए हुए हैं, गाय के गोबर से ये तैयार किए जाते हैं। आगे विधि विधान से गोयल परिवार पूजा कर रहा है और हम आपको दिखाते रहेंगे।
कट जाए बाधा जीवन की, कट जाए बाधा जीवन की, घर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की। अन्नकूट तैयार किया जाता है, अन्नकूट के अंदर विशेष रूप से राजस्थानी व्यंजन जैसे कढ़ी, पापड़, मूली और बैंगन और इनकी मिक्स सब्जी बनाई जाती है, और बाजरा जो कि बेहद ही गर्म तासीर वाला होता है, बाजरे की आज से शुरुआत होती है सर्दियों के लिए, क्योंकि बाजरा सर्दियों में खाना बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, और उसी से आज गोवर्धन जी को भोग लगेगा जिसे अन्नकूट कहा जाता है। तो अब सबसे पहले गोवर्धन जी महाराज का हम अन्नकूट से भोग लगाएंगे। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, तुम संतन हितकारी, संतन हितकारी नाथ तुम भगतन 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 हितकारी। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, ओ श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, तृष्णा भटकन की मिट जावेगी, तृष्णा भटकन की, पर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, पर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट जाए, तेरी कट। कूट का महत्व है वो मिठाई के अंदर, जब अपने खूब मीठा खा लेते हैं तो उसके अंदर आदमी को ये महसूस होता है भी बहुत मीठा हो गया, तो इसमें चरपरा जो टेस्ट आता है वो इसी अन्नकूट से आता है, जिसके अंदर बाजरे का ख़ास तौर से खिचड़ा तैयार किया जाता है, और कढ़ी राजस्थान की जो कढ़ी है वो तैयार की जाती है, और मिक्स वेज जिसको आप बोलते हो, और सारी सब्जियों को मिला के उसकी जो सब्जी तैयार की जाती है अपने 56 भोग के रूप में इसको तैयार करते हैं, पापड़ और ग्वारफली सुखा के उसको फ्राई किया जाता है, वो भी इसके अंदर खिलाने के लिए रखा जाता है, और इसके बाद में भोग लगाने के बाद में गोवर्धन जी को उनसे ये आशा की जाती है कि जिस तरह से गोकुल धाम की आपने रक्षा की थी उसी तरीके से हम सब परिवार वालों की आप ऐसे ही रक्षा करें। चरण में अब सभी परिवारजन जिसके अंदर घर के जेंट्स और घर की बहुएं ये सब पूजन में सभी शामिल होंगे, बच्चे
और इसके चारों ओर गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएंगे, जिसके अंदर जो दीपावली के ऊपर अपने खील जिसे बोलते हैं वो खील इसको अर्पण करते जाएंगे जब परिक्रमा लगाएंगे। धन्यवाद कि गोवर्धन पर्वत पे हमारी सारे गायें, क्योंकि कृष्ण गोपाल ग्वाले थे, उनके साथी ग्वाले थे, गांव सारा गोकुल गायों का था, गायें बैल सब वहाँ पलते थे जानवर, तो उनको चराने के लिए वो गोवर्धन पर्वत पर ही जाया करते थे। प्रदीप जी, उन्होंने सारे गाँव को ही कह दिया कि सभी ने नहीं करनी? बिल्कुल, तो क्योंकि गोकुल के अंदर कृष्ण के परिवार का जैसे एक राजा का महत्व होता है, उसी प्रकार से उस गांव में गोकुल में वो प्रमुखता से माने जाते थे। उन्होंने अपनी सर्व ने पूजा गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी की और गोवर्धन पर्वत पर जाकर सभी पूजा करने लगे। इंद्र को जब पता चला तो बड़ा नाराज हुआ। इंद्र ने अपना रुद्र रूप बनाया और खूब तेज बारिश स्टार्ट कर दी उनको डराने के लिए। बिल्कुल डराने के लिए, और ज़बरदस्त जब बारिश हुई वहाँ तो गांव वाले पशु इधर उधर भागने लगे और सारे श्री कृष्ण को दोष देने लगे भी आपने इंद्रदेव से वैर मोल ले लिया और अब आपको हमें कौन बचाएगा। बचाएगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सबको कहा कि आप सारे इस पर्वत के नीचे आ जाओ। वेरी गुड। तो उसके बाद 7 दिन तक इंद्रदेव रुद्र रूप में बारिश करते रहे, तो श्री कृष्ण ने अपने चक्र से पर्वत के ऊपर बारिश के लिए रक्षा के लिए छोड़ा और अपने शेषनाग को पर्वत के चारों ओर भी इसमें पानी अंदर ना आए रोकने के लिए एक तरह से उनकी ड्यूटी लगा दी। क्योंकि श्री कृष्ण भी हमारे विष्णु अवतार हैं। हाँ जी। जब 7 दिन तक बारिश करने के बाद भी गांव वालों का कोई बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र परेशान होकर भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा भी ऐसी बात है, तो जब ब्रह्मा जी ने बताया कि आप जिस बालक की बात कर रहे हैं वो तो खुद अपने विष्णु अवतार हैं। हाँ, भगवान हैं। तब इंद्रदेव वहाँ आए और उन्होंने आके श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी और अपनी बारिश रोक दी, माफ़ी मांगी, अपनी गलती स्वीकार की। भी कोई भी देवी देवता अगर पूजा नहीं करने से नाराज होता है तो वो देवी देवता नहीं है। जी हाँ, तभी से यह गोवर्धन पूजा की जाती है, इसको त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। गिरधर की बाकी झांकी, बाकी झांकी, बाकी गिरधर की बाकी झांकी, बाकी झांकी। अनुपम अद्भुत छटा जहां की, छटा जहां की, अनुपम अद्भुत छटा जहां की, छटा जहां। जय बोलो सभी राधा मोहन की, जय बोलो सभी राधा मोहन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। जाए
जब आवे गो, सारा दूध जले भी पावे गो, जले भी पावे गो, चढ़ जाएगी मस्ती कीर्तन की, चढ़ जाएगी मस्ती कीर्तन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए। आइए अब आपको गोवर्धन पूजा के बाद आपका मन ललचा जाएगा जब राजस्थानी खाना आपको दिखाएंगे। ये है खिचड़ा और ये कड़ी राजस्थान की, ये मिक्स वेज, ये कड़ी बाजरा है, और ये स्नैक्स के तौर पर ये खिचिया पापड़ है, ये ग्वार की फली है, ये ग्वार की फली है, सूखी तली हुई है, फ्राई किया हुआ है, और ये दो तरह के पापड़ हैं यहाँ पे, खींचिए और पापड़ सारा ये मिक्स करके कड़ी लाओ।